नमस्कार दोस्तों। तो ऐसा मैंने सुना है कि स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 के साथ बहुत सारे स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। फॉर एग्जांपल रियलमी GT Neo 6 प्रोबेबली इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। ये भी जो Xiaomi CB 4 Pro जो कि चाइना पे लॉन्च हो चुका है, काजर की वही फोन इंडिया में भी बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। मतलब स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 के साथ बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला, तो इसीलिए इस प्रोसेसर रिलेटेड पूरा कंपैरिजन सीरीज में बहुत ही जल्द खत्म करने वाला हूं। वैसे इसके साथ मैंने ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का एक कंपैरिजन भी मैंने बना दिया है, आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा वही 35,000 के आसपास, और ऑलमोस्ट सेम प्राइस में, मतलब वही 30 से 35,000 के आसपास आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3, और वो प्रोसेसर हमें मिलेगा वन प्लस नॉट 4 के अंदर। तीसरी इस वीडियो में देखेंगे ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल ये दो नए प्रोसेसर के अंदर कौन सा एक्चुअली ज्यादा पावरफुल और आपको कौन सा चूज करना चाहिए, इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेकर। ये जो स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 और जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 दोनों एक ही टाइम पे लॉन्च हुआ है, मतलब क्वार्टर 1 2024 पे लॉन्च हुआ है। तो अगर दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें, इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको मिलेगा 64 बिट्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये जो स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 इसमें भी मिलेगा 1+4+3 कोर स्ट्रक्चर, मतलब देखिए इधर आपको टोटल 5 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर मिलेगा। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 इसमें भी मिलेगा 1+3+4 कोर स्ट्रक्चर, मतलब इसमें हमें टोटल 4 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 4 पावर एफिशिएंसी कोर मिलेगा। तो इससे हमें ये चीज मालूम चल रहा है जो स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 इसका मेन टारगेट है परफॉर्मेंस, उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 इसका मेन टारगेट है थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर की हमें बात करें, वैसे मैंने मेरे हर एक प्रोसेसर कंपैरिजन वीडियो में आपको ये चीज कहा है, जब हम ऐसे दोनों प्रोसेसर के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो उस टाइम पे जिस प्रोसेसर के जो नैनोमीटर नंबर वो थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम होता है उस प्रोसेसर का पावर मैनेजमेंट और जो हीट मैनेजमेंट वो दूसरे के मुकाबले बेकार या फिर बेटर होता है। लेकिन अब इस जगह पे देख सकते दोनों ही सीपीयू बनाए 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे और दोनों का जो मैन्युफैक्चरर वो है TSMC, मतलब इधर दोनों का पावर मैनेजमेंट और जो हीट मैनेजमेंट है एग्जैक्टली सेम। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के कोर टाइप के बारे में बात करें, ये जो 8s जेन 3 इसमें आपको मिलेगा एक प्राइम कोर जो कि कोर्टेक्स X4 कोर जिसका स्पीड है 3.0 GHz, उसके साथ 4 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स 720 कोर जिसका स्पीड है 2.8 GHz, और उसके साथ 3 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर्टेक्स 520 कोर जिसका स्पीड है 2.0 GHz। उसी जगह पे 7 प्लस जेन 3 में आपको मिलेगा एक प्राइम कोर जो कि कोर्टेक्स X4 कोर इसका स्पीड है 2.8 GHz, उसके साथ 3 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स 720 कोर जिसका स्पीड है 2.6 GHz, और उसके साथ 4 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर्टेक्स 520 कोर जिसका स्पीड है 1.9 GHz। मतलब इधर एक चीज देखिए दोनों ही प्रोसेसर में आपको एग्जैक्टली सेम टाइप का कोर इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि कोर्टेक्स X4 A720 और A520, लेकिन डिफरेंस आपको मिलेगा कोर कॉम्बिनेशन पे और इसके अलावा एक और डिफरेंस मिलेगा कोर के स्पीड पे, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 इसका मैक्सिमम स्पीड है 3.0, उसी जगह पे 7 प्लस जेन 3 में उसी टाइप के कोर का स्पीड है 2.8, उसके बाद जो A720 उसका 8s जेन 3 में स्पीड है 2.8 GHz, उसी जगह पे सेकंड प्रोसेसर में इसका स्पीड है 2.6 GHz, और जो पावर एफिशिएंसी कोर उसका 8s जेन 3 में स्पीड है 2.0, उसी जगह पे जो 7 प्लस जेन 3 इसमें उसका स्पीड है 1.9 GHz। मतलब जैसे कि मैंने पहले ही कहा था ये जो स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 इसका मेन टारगेट है परफॉर्मेंस, उसी जगह पे जो 7 प्लस जेन 3 इसका मेन टारगेट है पावर एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट अगर दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें, इधर दोनों भी आपको मिलेगा डुअल चैनल LPDDR5X का रैम का सपोर्ट जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4 to 66 MHz, और दोनों भी रैम का मैक्सिमम मेमोरी बैंड भी 68.2 GBPS, मतलब इस रैम सपोर्ट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो नेक्स्ट अगर दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें, तो इधर दोनों सीपीयू में आपको मिलेगा eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 4.0 तक का स्टोरेज का ऑप्शन, मतलब इस मामले में भी दोनों एग्जैक्टली सेम। तो नेक्स्ट अगर दोनों के कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें, इधर दोनों भी आपको मिलेगा ट्रिपल 18-bit ISP का सपोर्ट, इधर दोनों पे सिंगल कैमरा में 200 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 64 और 36 मेगापिक्सल, और ट्रिपल कैमरा में 36 मेगापिक्सल तक का कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, मतलब इस कैमरा सपोर्ट में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो नेक्स्ट अगर दोनों की वीडियो कैप्चर के बारे में बात करें, इधर दोनों भी आपको मिलेगा मैक्सिमम 4K वीडियो 60fps, फुल HD वीडियो 120fps और फुल HD स्लो मोशन वीडियो 240fps में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, मतलब इस कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम।
तो नेक्स्ट अगर दोनों की डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में बात करें तो इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको मिलेगा मैक्सिमम 4K तक का डिस्प्ले का सपोर्ट जिसका रिफ्रेश रेट है 60Hz। लेकिन अगर हम क्वाड HD प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिमम 144Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट और दोनों पे मैक्सिमम वीडियो प्लेबैक क्वालिटी है 8K तक का। मतलब इस डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो नेक्स्ट अगर दोनों की नेटवर्क सपोर्ट के बारे में बात करें, वैसे इधर आपको दोनों के अंदर बहुत ही हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। पहली बात तो जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसमें आपको मिलेगा X75G मॉडल, उसी जगह पे जो 7 प्लस Gen 3 इसमें आपको मिलेगा X63 5G मॉडल। अभी स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसमें आपको बेटर जनरेशन का मॉडल मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो स्पीड ऑब्वियसली बेटर होगा, तो इसीलिए इसका 5G में डाउनलोड स्पीड है 6.5 GBPS। उसी जगह पे जो 7 प्लस Gen 3 इसका 5G में डाउनलोड स्पीड है 5 GBPS। दोनों का ही 5G में अपलोड स्पीड है 3.5 GBPS। इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा सबसेस गीगाज 5G MMO 5G ब्लूटूथ 5.4 नेविक सपोर्ट वाईफाई 7 और ट्राइबैंड वाईफाई का ऑप्शन। मतलब कैसे देखिए दोनों प्रोसेसर के अंदर ये जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वो इधर स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क सपोर्ट। लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। ये जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 735 वाला ग्राफिक्स कार्ड, उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 732 वाला ग्राफिक्स कार्ड। ये जो एड्रीनो 735 इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1100 MHz, उसी जगह पे जो एड्रीनो 732 इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 950 MHz। मतलब देखिए सकते हैं कि जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसमें आपको बेटर जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड और फास्टर ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल हुआ है। तो नेक्स्ट अगर दोनों के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर की बारे में बात करें, वैसे मैंने इधर दोनों साइड में जो Antutu का जो वर्षन 10 उससे मैंने ग्राफिक्स कार्ड स्कोर लिया है। तो जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसका ग्राफिक्स कार्ड स्कोर वेरी करता है 5 लाख से लेकर 5,52,000 के आसपास, क्योंकि रिसेंटली चाइना पे जो Xiaomi CB4 Pro वाला जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का ग्राफिक्स कार्ड स्कोर है 5 लाख के आसपास। लेकिन एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर वाला जो Realme GT Neo 6 आने वाला है उसमें ग्राफिक्स कार्ड का स्कोर है 5,52,000 के आसपास। इसलिए मेरे ख्याल से एक्चुअली स्मार्टफोन और उसके कूलिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोसेसर कितना आउटपुट दे सकता है। लेकिन उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 जो कि हमें Nord 4 पे देखने को मिलेगा, इसका ग्राफिक्स कार्ड स्कोर है 4,88,000 के आसपास। मतलब ग्राफिक्स कार्ड के मामले में नो डाउट स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 है बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के Antutu स्कोर की बारे में बात करें, वैसे मैंने इधर दोनों ही साइड में जो वर्षन 10 उसका स्कोर मैंने लिया है, तो जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसका Antutu वर्षन 10 में स्कोर है 14 लाख से लेके 18 लाख के आसपास। अभी जो 14 लाख वाला स्कोर वो एक्चुअली Xiaomi CB4 Pro का स्कोर है, लेकिन जो 18 लाख स्कोर वो एक्चुअली Realme GT Neo 6 का स्कोर है। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 इसका Antutu वर्षन 10 में स्कोर है 14,70,000 के आसपास। मतलब Antutu स्कोर के मामले में जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इधर है डेफिनेटली बेटर। और इसके बाद फाइनल अगर दोनों की Geekbench स्कोर के बारे में बात करें, वैसे मैंने इधर दोनों ही साइड में जो वर्षन 6 उसका स्कोर मैंने लिया है, तो जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसका सिंगल कोर में स्कोर है 1928, मल्टी कोर में स्कोर है 5564। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 इसका सिंगल कोर में स्कोर है 1848, मल्टी कोर में स्कोर है 5000 के आसपास। मतलब ये तो होना ही था, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसमें आपको ज्यादा CPU स्पीड मिलेगा कॉम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3, और इसके अलावा इसमें जो परफॉर्मेंस सीरीज का कोर वो भी आपको ज्यादा मिलेगा कॉम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3। इसीलिए स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का जो सिंगल कोर और जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस वो ज्यादा है 7 प्लस Gen 3 के मुकाबले। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो इस दोनों प्रोसेसर के अंदर एक्चुअली क्या क्या डिफरेंस है, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 के साथ जाएंगे तो आपको कोई भी विजिबल एडवांटेज नहीं मिलेगा कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। लेकिन उसी जगह पे अगर आप स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा फास्टर CPU, बेटर GPU और थोड़ा सा बेटर क्वालिटी नेटवर्क सिस्टम। तो मतलब देखिए इस वीडियो से हमें क्या चीज मालूम चल रहा है, ये दोनों प्रोसेसर के अंदर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 ये डेफिनेटली बेटर। मतलब कैसे देखिए ये जो स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 एक्चुअली स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 लाइट हम कह सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वर्षन है स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3। अभी ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 के साथ Nord 4 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, कहा जा रहा है कि इंडिया में उसका प्राइस होगा 34 से 35 के अंदर, और एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है पोको F6 बहुत ही जल्दी आएगा ये जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ। तो मतलब आपको पहले से मालूम चलेगा कि आपको दोनों में से कौन सा लेना है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो अभी आप मुझे कौन से जरूर बताना कि इसके बाद आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ कौन से प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन देखना है वो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।